संपत्ति बढ़ने के मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की जो रफ्तार है वो रॉकेट से भी तेज़ हो गई है, क्योंकि उनके ओडिशा और झारखंड में जो घर है वहाँ से 350 करोड़ से ज़्यादा रुपए का कैश बरामद हुआ है। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। धीरज साहू के घरों से, जो कि एक ओडिशा में था और एक झारखंड में है, वहाँ से 350 करोड़ रुपए का मोटा कैश बरामद किया गया है। अब इस बेहिसाब कैश को गिनने के लिए मशीनें ही कम पड़ गई हैं, क्योंकि इतना सारा वो कैश है कि मशीनें भी कम पड़ रही हैं उसको गिनने के लिए। और इनकम टैक्स का जो विभाग है वो पिछले 3 दिन से इस पैसे को गिन रहा है, लेकिन अब तक इस पैसे की पूरी गिनती नहीं हो पाई है। ऐसे में अभी फ़िलहाल 350 करोड़ का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 2018 में बता दें कि धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चुने गए थे, और जब तब उन्हें चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति के बारे में बताना था तो उन्होंने एक हल्फनामा जारी करते हुए ये कहा था कि उनके पास 34 करोड़ की संपत्ति है, और अब जो उनकी संपत्ति में इजाफा देखा गया है उसे देखकर सब कोई, हर लोग हैरान हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी हैरान है और विपक्ष तो हमलावर है ही धीरज साहू पर। अब ऐसे में जो ये नोटों की गड्डियां उनकी अलमारियों से निकल रही है, वो कैश उनके पास कहां से आया और अचानक उनकी संपत्ति में इतना इजाफा कैसे हो गया 2018 के बाद, अब इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वाद विवाद छिड़ गया है और धीरज साहू कटघरे में खड़े हो गए हैं। इस पैसे का उनके पास कोई हिसाब नहीं है। जब इनकम टैक्स के द्वारा उनसे 350 करोड़ रुपए का हिसाब लिया गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं थे। तो अब धीरज साहू की संपत्ति में ये इजाफा क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी थोड़ी सी हम आपको डिटेल बता देते हैं। तो 2018 में जब धीरज साहू ने चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास 34 करोड़ रुपए हैं, तो उन्होंने उसको चल अचल अपनी संपत्ति बताया था। ऐसे में लगभग 20 करोड़ उनकी चल संपत्ति थी और लगभग 15 करोड़ की उन्होंने बताया था कि उनके पास अचल संपत्ति है, जिसमें अलग अलग ज़मीनें और प्रॉपर्टी भी शामिल थी। उस समय उन्होंने अपनी संपत्ति में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और महंगी गाड़ियों का भी के बारे में बताया था और उनका भी जिक्र किया था, लेकिन इसके अलावा 1 करोड़ रुपए उनकी सालाना आय थी, इस बारे में भी उन्होंने चुनाव आयोग को 2018 में ही बता दिया था। और उनकी पत्नी के बारे में उन्होंने ये बताया था कि उनके पास 3 किलोग्राम के आसपास सोने के जेवर हैं, जिनकी कीमत लगभग 95 लाख रुपए है, और वहीं धीरज के पास 26 लाख रुपए के आसपास डायमंड के भी ज्वेलरी वहाँ पर मौजूद है। ये आंकड़ा उन्होंने 2018 में जब वो चुनाव जीते थे तो चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन अब जो 2018 में उनका एफिडेविट जो जारी हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम बताए थे, जैसे कि रेंज रोवर, BMW, फॉर्चुनर और पजेरो। ये सब महंगी लग्जरी गाड़ियाँ धीरज साहू के पास तब भी मौजूद थी, और उसी एफिडेविट के मुताबिक धीरज साहू ने लगभग 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ अपनी फैमिली की कंपनी बदलेव शिव प्रसाद साहू में और बलदेव साहू एंड सन्स में 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया था। तो ये सभी बातें जो उन्होंने एफिडेविट 2018 में जारी किया था उन सब की हैं, लेकिन अब जो उनके घर से कैश निकल रहा है उसकी गिनती 3 दिन हो चुके हैं, अब तक भी पूरी नहीं हो पाई है। 3 दिन के बाद वो आंकड़ा 350 करोड़ रुपए हुआ है। ऐसे में अभी गिनती जारी है, ये आंकड़ा बढ़ता ही जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी अलमारियों से नोटों की गड्डियाँ निकल रही हैं तो लगता है कि ये आंकड़ा जो है वो अभी और भी ज़्यादा पार होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी धीरज साहू से सवाल करने शुरू कर दिए हैं और जवाब मांगने शुरू कर दिए हैं कि उनकी संपत्ति जब 34 करोड़ रुपए उन्होंने बताई थी तो उसमें इतना अचानक इजाफा कैसे हुआ है। ऐसे में अब धीरज साहू क्या कुछ जवाब देते हैं और इस पूरी इनकम टैक्स रेट से कैसे बच पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही ये जो आंकड़ा 350 करोड़ का है 3 दिन बाद, वो और दिन बाद या फिर जितने दिन तक ये गिनती चलती है कितना हो जाता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा।